आईसीसी इजलास में चैंपियंस ट्रॉफी के बजट की मंजूरी दे दी गई है। जराय का कहना है कि चैंपियंस ट्रॉफी के बजट की मंजूरी आईसीसी मीटिंग्स के आखिरी रोज दी गई है। अगर बजट अप्रूव होता है इसका मतलब ये है कि फिर चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान के अंदर ही होगी। ईशा साहब जो आईसीसी की कमेटी के सरबरा है, जो फाइनेंस कमेटी देखते हैं और बीसीसीआई के भी पावरफुल सेक्रेटरी है, उन्होंने इस पर थोड़ा सा एहतजाज किया था। जय शाह ने मोहसिन नकवी को एक कन्वे कर दिया है कि हमारी टीम पाकिस्तान नहीं आ सकती। आपको पता है कि इंडिया हर बार यही करता है कि पाकिस्तान आने से इनकार कर देता है। एशिया कप में भी उसने ऐसे किया। तो इस मीटिंग का जो एजेंडा था उसमें 5 लाइनें चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में भी थी। उसमें एक लाइन ये थी कि जो बजट है अगर किसी दूसरे मुल्क में कुछ मैचेस मुंतकिल करने पड़े तो इतना बजट उसका रखना चाहिए। क्या इस तरह की बात थी? इट्स मीन कि आईसीसी भी सोच रहा है कि एक हाइब्रिड मॉडल लाया जाए जैसे कि एशिया कप में था। भारतीय बोर्ड का जो रवैया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ उसको देखकर पाकिस्तान में मौजूद शायकीन की एक बड़ी तादाद भी यही बात समझती है कि भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं आएगी। लेकिन यहाँ ये बात भी याद रखने की है कि ये एक आईसीसी इवेंट है और इसमें अगर भारतीय टीम नहीं आती है तो उन्हें बहुत बड़ा नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। हम अगर इतने पावरफुल हैं तो हम चैंपियंस ट्रॉफी का इनेकाद भी नहीं कर सकते। हमने आखिरी आईसीसी का इवेंट 1996 में कराया था, उसके बाद से आज तक हम कोई सिंगल आईसीसी का इवेंट नहीं करा सके। अगर हम उस बात को देखें तो कितने साल बीत चुके हैं। बड़ी चलाकी करता है इंडिया, एंड टाइम तक एक इस मामले को ट्रैक करता रहता है कि भाई हुकूमत से पूछेंगे, हुकूमत बताएगी, फिर एंड वक्त में बोलता है कि जो हुकूमत हमारा करती है कोई आप चारा ही नहीं होता। रशिया का यूक्रेन के अंदर वॉर होता है, यूक्रेन के ऊपर रशिया चढ़ाई करता है, लेकिन पेरिस के अंदर ओलंपिक्स गेम इस साल होने जा रहे हैं, उसके अंदर भी दोनों मुल्कों के एथलीट एक साथ कंपटीशन के अंदर हिस्सा लेंगे। बाज ऐसे कंपटीशन होंगे जिसमें यूक्रेन और रशिया मिलकर पार्टिसिपेट कर रहे होंगे। वो दो मुल्क जो कि एक दूसरे के खिलाफ अभी रिसेंट पास में जंग लड़े हैं तो उनको मसला नहीं है, तो फिर हिंदुस्तानियों को भी मसला नहीं होना चाहिए। सिक्योरिटी का तो कोई मसला ही नहीं हो, वैसे भी सिक्योरिटी का कोई इशू होना नहीं था, लेकिन उनका पर्सनल इशू है तो उसके ऊपर पीसीबी के जो चेयरमैन है मोहसिन नकवी साहब उनको प्रॉपर श्योरिटी देंगे कि आप पाकिस्तान में आए, कोई मसला नहीं होगा। भारतीय हुकूमत जो मोदी सरकार है वो भी इस वक्त नहीं बात कर रही है। सबसे ज्यादा जो इशू करते हैं वो कौन इशू करते हैं? वो आपके अपोजिशन वाले लोग करते हैं। आपकी अपोजिशन कांग्रेस की है, इंडिया गठबंधन, वो भी नहीं इनकार, वो भी नहीं मना कर रहे हैं कि जनाब पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अपनी टीम को मत भिजवाइए। बजट जो है ना उसके अंदर अगर वो इशू क्रिएट करते हैं, एक्स्ट्रा बजट का कोई इशू आता है, इसका मतलब ये होगा कि भी जो चैंपियंस ट्रॉफी है ना वो शायद इंडिया के मैचेस हाइब्रिड मॉडल की वजह से वो लोग बजट में एक्स्ट्रा पैसे डाल रहे हैं। आईसीसी ने ये बजट भी रखा है कि अगर पाकिस्तान में ये टूर्नामेंट नहीं होता, किसी और मुल्क में होता है, तो उसके लिए इजाफी बजट की जो मंजूरी है वो भी दी जाने लगी है। आप हम पाकिस्तानियों को दाद दो कि इतने इश्यूज के बावजूद हमारी टीम दो मरतबा आपके मुल्क में आके खेली है। अजी ये कि इंडिया ने अपने आप को क्रिकेट की एक बहुत बड़ी एक मार्केट बना लिया है और आईसीसी के सारे स्पॉन्सर्स वगैरह जो है वो बेशतर इंडिया से आते हैं, बल्कि अब तो जय शाह आईसीसी के भी सरबराही का सोच रहे हैं और उनके हाथ में डिसीजन है कि कब बने, क्या अभी बने या अगले साल बने। तो ये अब इतने पावरफुल हो चुका है इंडिया कि बीसीसीआई के पास, इंडियन गवर्नमेंट के पास कोई जवाब नहीं बचा अपनी टीम को पाकिस्तान भिजवाने का। सो इनको वक्त से पहले फैसला करना चाहिए। दोस्तों चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए बजट की मंजूरी आईसीसी की इजलास में दे दी गई है। जय शाह जो कि आईसीसी की जो माली मामलात है उसको देख रहे हैं, उन्होंने 2025 की जो चैंपियंस ट्रॉफी है उसके लिए बजट की मंजूरी दे दी है, जिसका मतलब ये है कि चैंपियंस ट्रॉफी अब ये कहा जा सकता है ठीक कि एटलीस्ट चैंपियंस ट्रॉफी 2025 खेली जाएगी। और ज्यादातर इम्कान यही है कि पाकिस्तान में इसका इनेकाद होगा। क्या कहना था बजट की मंजूरी और पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी की इनेकाद पर पाकिस्तानी मीडिया का? पहले एक कंप्लीट रिएक्शन आपको दिखाते हैं, फिर एंड में जाकर इस हवाले से बात करते हैं। इट्स मीन कि आईसीसी भी सोच रहा है कि एक हाइब्रिड मॉडल लाया जाए जैसे कि एशिया कप में था, जो एक फ्लॉप तजुर्बा साबित हुआ था। अब बात यह है कि मोहसिन नकवी साहब किस तरह जाके पाकिस्तान के केस वहां पे पेश करते हैं और किस तरह इंडिया को कायल करते हैं, लेकिन अब तक की जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो यही लग रही है कि एक बार फिर इंडिया की तरफ से मना कर दिया जाएगा। बड़ी चलाकी करता है इंडिया, एंड टाइम तक एक इस मामले को ट्रैक करता रहता है कि भाई हुकूमत से पूछेंगे, हुकूमत बताएगी, फिर एंड वक्त में बोलता है कि जो हुकूमत है मना करती है, कोई आप चारा ही नहीं होता। शायद इसीलिए आईसीसी ने पहले से इस चीज को सोचना शुरू कर दिया, क्योंकि अभी टाइम है और इसीलिए किसी दूसरे मुल्क के बारे में भी गौर हो रहा है। लेकिन उसके साथ एक और बात पे इंटरेस्टिंग आपको बताता चलूं, आपको एक दिन पता होगा क्योंकि कल अखबार में भी आ गई थी कि पीसीबी का एक और इरादा भी है कि वो जो जय शाह इंडियन क्रिकेट बोर्ड के चीफ है उनसे मुलाकात वहां पर कोलंबो में होगी, तो उनको एक तजवीज दी जाएगी कि आइंदा साल चैंपियंस ट्रॉफी के बाद जब भी कोई विंडो हो दोनों टीमों की अवेलेबल किसी थर्ड कंट्री पे T20 सीरीज खेली जाए। तो बहुत कुछ चल रहा है, होपफुली आज आईसीसी के एंड से तो पता चल जाएंगी चीजें हमें, लेकिन
24th को शायद चेयरमैन पीसीबी पीबी एक्सप्रेस का फैसला होगा। सिक्योरिटी का तो कोई मसला ही नहीं हो, वैसे भी सिक्योरिटी का कोई इशू होना नहीं था, लेकिन उनका पर्सनल इशू है तो उसके ऊपर पीसीबी के जो चेयरमैन है मोहसिन नकवी साहब उनको प्रॉपर श्योरिटी देंगे कि आप पाकिस्तान में आए, कोई मसला नहीं होगा। बजट अप्रूव हो गया, ये गुड साइन है, पाकिस्तान की पहली जैसे कहते हैं कामयाबी हो चुकी है। आगे देखने इस मीटिंग का जो बड़ा फैसला है ना वो रात को आएगा, जब श्योरिटी प्रॉपर तरीके से मिल जाएगी कि भारत की टीम पाकिस्तान आ रही है चैंपियंस ट्रॉफी खेलने या नहीं आ रही। और अगर ये न्यूज नहीं भी मिलती तो थोड़ी पॉजिटिव आउटकम आ जाएंगी, जैसे कि तसल्ली देना हो गया या जैसे कहते हैं आगे जाकर अक्टूबर के अंदर फैसला करेंगे, ये हो गया। तो ये वक्त के साथ साथ सब कुछ डिपेंड कर रहा है, लेकिन अभी के लिए गुड न्यूज ये है कि आईसीसी और मिस्टर जयशाह जो फाइनेंशियल मिनिस्टर है, पीसीबी ने जो बजट पेश किया था आईसीसी का मिलकर, वो आईसीसी की इस मीटिंग के अंदर सबने अप्रूव कर दिया है। अरे ये कि इंडिया ने अपने आप को क्रिकेट की एक बहुत बड़ी एक मार्केट बना लिया है और आईसीसी के सारे स्पॉन्सर्स वगैरह जो है वो बेशतर इंडिया से आते हैं, बल्कि अब तो जयशाह आईसीसी के भी सरबराही का सोच रहे हैं और उनके हाथ में डिसीजन है कि कब बने, क्या अभी बने या अगले साल बने। तो ये अब इतने पावरफुल हो चुका है इंडिया अब तो जी। और उन्होंने अपनी गेम से भी प्रूव किया है, न सिर्फ उन्होंने इस बैकएंड अपनी जो डिप्लोमेटिक अप्रोच है उनकी उससे उन्होंने साबित किया, बल्कि उन्होंने गेम से भी प्रूव किया। तो अगर ये वेन्यू जो न्यूट्रल वेन्यूज एंगेजमेंट की जो हम बात कर रहे हैं ये होता है, तो इससे टूर्नामेंट को फायदा होगा नुकसान होगा, क्या वो थ्रिल जो हम एक्सपेक्ट करते हैं वो बरकरार रहेगा और टीम्स के लिए भी क्या फिजिबल रहेगा इन केस इफ इट गोज लाइक दैट? देखिए एशिया कप का आपको याद होगा, एशिया कप के मैचेस जब श्रीलंका मुंतकिल किए गए तो बारिश होती रही मैच में, बारिश से एक मसला खराब हुआ, फिर पाकिस्तानी प्लेयर्स को परेशानी हुई, एक फ्लाइट ली कोलंबो की फिर वापस कराची आए फिर इधर गए, प्लेयर्स को भी मसला होता है और इसके साथ साथ एक शायकीन को भी जाहिर है इशू होता है। अभी जैसे वर्ल्ड कप हुआ तो लोगों को पता था कि यार अमेरिका में मैच है चलो अमेरिका चले जाओ, वेस्ट इंडीज में मैच है वहां चले जाओ, अगर हमारी टीम के मैच है एक वक्त में एक जगह हो रहे थे, लेकिन अभी एक मैच यहाँ पर है दूसरा मैच वहां पर है तो ये बड़ा मसला होगा। भारतीय बोर्ड का जो रवैया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ उसको देखकर पाकिस्तान में मौजूद शायकीन की एक बड़ी तादाद भी यही बात समझती है कि भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं आएगी। लेकिन यहाँ ये बात भी याद रखने की है कि ये एक आईसीसी इवेंट है और इसमें अगर भारतीय टीम नहीं आती है तो उन्हें बहुत बड़ा नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। इस हवाले से मुझे नहीं लगता, जैसा कि मैंने बार बार कहा था कि भारतीय टीम पाकिस्तान आने से इनकार करेगी, यानी कि आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 खेलने से इनकार करेगी, इसका इम्कान नहीं है। लेकिन भारतीय मीडिया बार बार रिपोर्ट कर रहा है कि जो पीछे कहानी चल रही है या जो बातचीत चल रही है, प्लान चल रहा है, वो यही है कि भारतीय टीम अपने मैचेस पाकिस्तान में नहीं खेलेगी। अब आईसीसी का बजट मंजूर हो जाने के बाद जो सबसे अहम बात है वो ये है कि अगर बजट सिर्फ ये मंजूर हुआ है कि पूरे जो मैचेस हैं पाकिस्तान में होंगे उसके मुताबिक बजट मंजूर हुआ है, तो फिर इस बात की भी गारंटी मिल चुकी है या मोहर सख्त हो चुकी है कि भारतीय टीम अब पाकिस्तान आए। जी हाँ दोस्तों, आईसीसी का सालाना इजलास जारी है जहां सबसे जायद क्रिकेट बोर्ड जो है आईसीसी इजलास का इस वक्त श्रीलंका में होने वाले इजलास का हिस्सा है, जिसमें चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए जो बजट है उसकी मंजूरी दे दी गई है। जयशाह जो आईसीसी के माली मामलात को देखते हैं उनके सरबराही में बजट की मंजूरी दे दी गई है चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए, जिसका सीधा मतलब ये हुआ कि चैंपियंस ट्रॉफी होगी, एटलीस्ट ये तो कंफर्म हो चुका है। अब पाकिस्तानी मीडिया का इस हवाले से रिएक्शन आया है कि मंजूरी का मतलब ये है कि चैंपियंस ट्रॉफी होगी और पाकिस्तान में होगी, पूरी तरह से होगी, भारतीय टीम बिलाखिर पाकिस्तान का टूर करेगी और चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में लाहौर में, कराची में और रावलपिंडी में भारत के बड़े स्टार विराट कोहली, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या, ये सब खेलते हुए नजर आएंगे। तो एक ब्लॉकबस्टर चैंपियंस ट्रॉफी होने जा रही है। पाकिस्तानी मीडिया का इस हवाले से कहना है कि बजट की मंजूरी का मतलब हुआ चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी, पूरी तरह से होगी, कोई हाइब्रिड मॉडल वगैरह नहीं होगा। तो अब देखना ये होगा कि बजट की मंजूरी तो दे दी गई है आईसीसी की तरफ से, अब चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारतीय टीम पाकिस्तान आएगी या फिर नहीं। इस सारी सूरत हाल पर पाकिस्तानी मीडिया का क्या रिएक्शन था, वीडियो आपने देखी, कमेंट बॉक्स में जाइए और अपने राय इस हवाले से जरूर शेयर कीजिएगा। मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल की नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कीजिएगा।